हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डार्क बॉय। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसी चीज़ें जो कि आपको अपने फेस पे कभी भी नहीं लगानी है। इन पांच चीज़ों को आपको अपने फेस पे गलती से भी नहीं लगाना है, बिकॉज मैंने कई सारे वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, रील पे, काफ़ी जगह पे कि ये अपने फेस पे लगाओ, आपके स्किन से पिंपल्स चले जाएंगे, आपके स्किन से दाग धब्बे चले जाएंगे, आपकी स्किन एकदम चमक जाएगी एंड बहुत कुछ बताते हैं। और गाइज, अगर आप उनकी बातों में आकर वो चीज़ें अपने फेस पर लगाते हो तो गाइज आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। और आपने बहुत से वीडियोज देखे होंगे कि वो कहते हैं कि इसे अपने फेस पे लगाओ, आपके पिंपल्स चले जाएंगे एंड वो खुद उस चीज को अपने हाथ पर लगाकर दिखाते हैं और हम वही सेम चीज अपने फेस पे ट्राई करते हैं और इससे हमारी स्किन डैमेज होती है, उनकी नहीं। और आपको एक बात याद रखनी है कि आपकी फेस की जो स्किन होती है वो आपके बॉडी के स्किन से काफी डिफरेंट होती है, इसलिए आपको कोई भी चीज डायरेक्ट अपने फेस पे ट्राई नहीं करना है। तो गाइस, इन पांचों चीजों को अगर आप लगाते हो अपने फेस पे या फिर पहले कभी लगाया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते। नंबर वन, कोलगेट। अब आपने बहुत से वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे कि अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं तो उस पे कोलगेट लगाओ, आपके पिंपल्स चले जाएंगे। लेकिन जो दाग धब्बे आएंगे पिंपल्स के बाद तो वो कैसे जाएंगे? अगर आप पिंपल के ऊपर कोलगेट लगाते हो तो आपका पिंपल एक बारी को चला जाएगा, लेकिन पिंपल के जाने के बाद जो दाग हो जाएगा फेस पे उसका क्या? इसलिए कोलगेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फेस के लिए, तो प्लीज कोलगेट को अपने फेस पे मत लगाइए। नंबर टू, इनो। देखो गाइस, यूनो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है आपके नेक के लिए लेकिन आपके फेस के लिए नहीं, बिकॉज आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है इसलिए आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। यूनो आपके फेस की स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यूनो यूजफुल है सिर्फ आपके नेक के लिए और आपके कोहनी के लिए, इसलिए आपको अपने फेस पे यूनो को बिल्कुल भी नहीं लगाना है, अदरवाइज आपकी स्किन बहुत ही डैमेज हो जाएगी। नंबर थ्री, सोप। अब सोप कई तरह के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके बालों का सोप अलग होता है, आपके बॉडी का सोप अलग होता है, कपड़े बर्तन धोने का सोप अलग होता है, उसको अपने फेस पर नहीं लगाना है। आपके फेस की जो स्किन होती है उसकी लेयर काफ़ी डिफरेंट होती है आपके बॉडी के लेयर के कंपेयर में, तो प्लीज़ उन सोप को अपने फेस पे मत लगाओ, क्योंकि ऐसा होता है हमसे जनरली फेस वॉश खत्म हो गया तो हम सोप का यूज़ करते हैं और हमें लगता है कि एक दिन में क्या ही हो जाएगा, लेकिन उस एक दिन में ही आपका काम हो जाएगा क्योंकि हमारे फेस के स्किन पे जो नेचुरल ऑयल होता है वो निकल जाएगा, तो आपके स्किन पे प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि आपके बॉडी की स्किन और फेस की स्किन बहुत डिफरेंट होती है, इससे आपके फेस की स्किन बहुत डैमेज हो सकती है। नंबर फोर, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपके लेग्स के लिए काफ़ी यूजफुल होता है लेकिन आपके फेस के लिए नहीं। बेकिंग सोडे से आपकी स्किन बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा डैमेज होती है। बेकिंग सोडे से आपकी स्किन पर लाइफ टाइम दाग धब्बे भी मिल सकते हैं, इसलिए बेकिंग सोडा अपने फेस पर मत लगाओ। नंबर फाइव, हेयर प्रोडक्ट्स। तो गाइज, मैक्सिमम लोग अपने फेस पे ऐसी चीज़ें लगाते हैं जो कि बालों को लगानी होती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई ऐसा थोड़ी कोई करता होगा, बट मैं आपको बता दूं कि ये गलती आप जानबूझकर नहीं बट गलती से ज़रूर करते हो। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप जब भी रात को सोते टाइम सोने से पहले बालों में वैक्स, जेल, ऑयल लगा के ही सो जाते हो। आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों को फोरहेड्स पे बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं क्योंकि उनके बालों में जो भी चीज़ें लगाई रहती है वो बह के फोरहेड्स पे आती है, जिसकी वजह से आपके फोरहेड्स पे छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं। सो गाइज, इसलिए आप जब भी सोते हैं तो सोने से पहले अपने बालों को अच्छे से धो लेना है। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल वाले बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।